देश का हर व्यक्ति चाहता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग हो। पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग से बने। 8 करोड़ आबादी है पश्चिम उत्तर प्रदेश की, और ये प्रदेश बन गया तो सबसे समृद्ध प्रदेश देश का पश्चिम उत्तर प्रदेश होगा। मैं गारंटी से कहता हूँ मिनी पाकिस्तान होगा। 1 वर्ग की आबादी इतनी तेजी से यहाँ बढ़ती जा रही है, उन कस्बों में हिंदू माइनॉरिटी में हो गया है। सहारनपुर के वो कौन नेता हैं, इमरान मसूद, उन्होंने समर्थन किया। वही लोग तो चाहते हैं, वही लोग चाहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान बनाया जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग पर घिरे केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव वालियान को लेकर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम ने मंत्री संजीव वालियान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संगीत सोम ने कहा कि पश्चिमी यूपी अलग राज्य बना तो ये मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। देखिए, आपने देखा होगा संजीव वालियान जी के बयान के बाद किस किस के बयान आए। समाजवादी पार्टी ने उसका समर्थन किया, सहारनपुर के वो कौन नेता हैं, इमरान मसूद, उन्होंने समर्थन किया। वही लोग तो चाहते हैं, वही लोग चाहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान बनाया जाए, और उन्होंने इसकी प्लानिंग की और संजीव बालियान जी ने उनके समर्थन में बयान दिया। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्यों ऐसा बयान दिया उन लोगों ने। अब मुझे इसका नहीं पता, लेकिन इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग से बने। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं कि हमें दिल्ली के साथ जोड़ा जाए, हमारे NCR को दिल्ली के साथ जोड़ा जाए, और दिल्ली के साथ जुड़ के हमारे पश्चिम का विकास हो, जो आज हमें हाईकोर्ट नहीं मिल पा रहा है। कई बार आप देखिए हाईकोर्ट में कभी लोग कहते हैं आगरा होना चाहिए, कभी कहते हैं मेरठ होना चाहिए। हम नया विवाद क्यों करें? देश में विवाद नहीं चाहिए साहब। इसके साथ ही संगीत सोम ने दावा किया कि पश्चिमी यूपी में जिस हिसाब से एक विशेष समुदाय की आबादी बढ़ रही है, ऐसे में इस राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। कई कस्बों में एक समुदाय के लोगों की आबादी 70-90% तक हो गई है। मैं गारंटी से कहता हूँ मिनी पाकिस्तान होगा। कैसे? आपको भी पता है कैसे? 1 वर्ग की आबादी इतनी तेजी से यहाँ बढ़ती जा रही है कि कस्बों में चले जाइए, आप देख लीजिए ना रिकॉर्ड उठा के, 70-75-80-90% तक हो गई है। यहाँ हिंदू उन कस्बों में हिंदू माइनॉरिटी में हो गया है, पूरे पश्चिम की डेमोग्राफी बदली हुई है। तो क्यों नहीं होगा साहब? यहाँ तो हमेशा आतंकवादी पकड़े गए, देवबंद में बहुत आतंकवादी पकड़े गए, ये कौन सी नई बात आप कर रहे हैं? हमेशा आतंकवादी पकड़े जाते हैं, हमेशा आतंकवाद की बात होती है। दरअसल रविवार को मेरठ में अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद सम्मेलन के आयोजन में पहुंचे केंद्रीय मंत्री संजीव वालियान ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाए जाने की मांग उठाई थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक अलग राज्य बनना चाहिए और इस नए प्रदेश की राजधानी मेरठ बने। यहाँ की आबादी 8 करोड़ है और हाईकोर्ट यहाँ से 750 किलोमीटर दूर है, ऐसे में ये मांग पूरी तरह से जायज है। अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसी से बात करेंगे, पश्चिम उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति चाहता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग हो। 750 किलोमीटर दूर हमारा हाईकोर्ट है साहब। 8 करोड़ आबादी है पश्चिम उत्तर प्रदेश की, और ये प्रदेश बन गया तो सबसे समृद्ध प्रदेश देश का पश्चिम उत्तर प्रदेश होगा। तो मेरठ उसकी राजधानी चाहते हैं? हमारा बड़ा शहर है, सबसे बड़ा पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ है, तो उसमें तो कोई शक नहीं। खुद तो मुजफ्फरनगर से है, मुजफ्फरनगर क्यों नहीं? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ सबसे बड़ा शहर है, ऐतिहासिक शहर है। मेरे लिए मेरठ भी ऐसा ही है, मेरे लिए मुजफ्फरनगर भी ऐसा है, मेरे लिए आगरा भी ऐसा ही है। मैं तो चाहता हूँ पश्चिम उत्तर प्रदेश का निर्माण हो। आपको बता दें कि यूपी की राजनीति में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक अलग राज्य बनाने का मुद्दा गरमाता जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाए जाने की मांग उठाकर एक बार फिर से इस मुद्दे को गर्म कर दिया है। एक तरफ जहां BSP के पूर्व नेता इमरान मसूद समेत अन्य दलों के नेता संजीव बालियान के बयान का समर्थन करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ BJP के फायर ब्रांड नेताओं में शुमार संगीत सोम ने अपनी पार्टी के नेता और केंद्र में मंत्री संजीव वालियान के खिलाफ मोर्चा खोलकर नई बहस को जन्म दे दिया है।